जय माता दी। दोस्तों आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है आईपीएल का एक और मैच लेकर। आज किसकी बात होगी? आज होगी दो नई नवेली टीमों की बात। गुजरात जायंट्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करें। गुजरात टाइटंस और लखनऊ दो नई टीम इंडक्ट हुई है इस बार आईपीएल में, इन्हीं की वजह से 10 टीम बनी है। टूर्नामेंट थोड़ा सा बड़ा बना है, जो एंटरटेनमेंट है उसमें लगे हैं चार चांद। तो इस मैच की हम बात करने वाले वीडियो में पिच रिपोर्ट कवर करेंगे, कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, आपके लिहाज से की प्लेयर्स क्या हो सकते हैं उनकी बात करेंगे, क्या सरप्राइज पिक्स होंगी, हमारी स्मॉल लीग टीम क्या बनेगी और प्रॉफिट फंडा क्या रहेगा और क्या बनेगी हमारी ग्रैंड लीग टीम, वो भी एक नहीं दो, ये बात करेंगे हम वीडियो में तसल्ली से। प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तरीका क्या है? तरीका यह कि इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है उस कमेंट में मैंने लिंक पिन किया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये प्रोसेस फॉलो करें, टेलीग्राम पर जाएं। टेलीग्राम पर जाने के बाद वहां सर्च करें मोहित क्रिकेट ओलोजिस्ट, बड़ा ही सिंपल है। मोहित मेरा नाम, क्रिकेट मेरी जान, ओलो और जिस्ट, इसमें कोई स्पेस ना दें, ठीक है। ऐसा करने पे क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल आएगा जिसके लगभग 7550 मेंबर हैं। और ध्यान रहे यही प्रोसेस अपनाएं, इसी चैनल को आप ज्वाइन करें, फेक चैनल्स पे ना जाएं, नक्कालों से सावधान, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए हैं। बन क्यों गए हैं आपको पता है? क्योंकि रिजल्ट स्पीक्स, इतना बढ़िया इंडस्ट्री में रिजल्ट इतने कम टाइम में शायद ही कोई दे पा रहा है, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि मोहित के नाम पे कमा लो, लोग प्राइम बेच रहे हैं मेरे नाम पे, मेरी टीम शेयर करके। तो कल को आप किसी फेक किसी के चक्कर में आ जाओ, उसको पैसे दे दो, जिम्मेदारी आपकी है। तो आपकी जिम्मेदारी यहां ये बनती है कि आप ओरिजिनल चैनल से जुड़े और जरूर जुड़े। चलिए अब बात करते हैं हम इस मैच की, गुजरात वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। कहां है ये मैच? टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में होना है। आपको पता है मुंबई के तीन ग्राउंड यूज होने हैं, बामखेड़े, ब्रेबोर्न और डीवाई पाटिल और पुणे। लेकिन ये जो मैच है ये है वानखेड़े में। वानखेड़े वही ग्राउंड जहां भारत ने जीता था 2011 का विश्व कप। और भी कई सारी यादें हैं वानखेड़े से हम सबकी जुड़ी हुई, बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, इस तरीके से चीजें। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच होने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसी पिच पे, मतलब इसी ग्राउंड में इसी पिच पे पहला मैच हुआ था आईपीएल का इस सीजन, सीएसके वर्सेस केकेआर। बड़ी प्रेडिक्शन थी, पिछला रिकॉर्ड भी उठा के हमने देखा था, प्रेडिक्शंस भी ये थी, जितने एक्सपर्ट थे सब कह रहे थे 180 बनेगा, 200 बनेगा, बैटिंग की डेक है, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। क्या हुआ? एक लो स्कोरिंग मैच हुआ, वो भी एक टाइम पे क्लोज होता दिख रहा था। क्यों हुआ ऐसा, उसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? पिच थी या टीम थी? मतलब सीएसके की बैटिंग खराब रही, लेकिन केकेआर की बैटिंग तो बढ़िया थी, फिर भी मैच इतना आखिरी तक क्यों गया? मैं कारण आपको बता देता हूं। पहले वो बता देता हूं जो पिच कहती है, जो इतिहास कहता है। इतिहास कहता है कि वानखेड़े पे 175 से 185 रन बनते हैं ऑन एन एवरेज, 7 से 8 विकेट गिरते हैं पर इनिंग्स, ठीक है। और इसके अलावा चेज बहुत ज्यादा होता है यहां पे स्कोर, ये भी इसकी कहानी थी। पिच बिल्कुल फ्लैट है, बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिलने वाली, ये इसका इतिहास है। लेकिन इसका वर्तमान क्या कह रहा है? इसके वर्तमान ने पहले मैच में कहानी सुना दी। वर्तमान ने यह कहा कि 7:30 बजे मैच शुरू होता है, समुद्र के किनारे मुंबई से बसा हुआ है, जो ब्रीज होती है वो थोड़ी टाइडी होती है, मतलब थोड़ी ज्यादा बहती है शाम के टाइम समुद्र के किनारे। आप नॉर्मल भी देखें, अगर आप कहीं भी पानी के किनारे शाम के टाइम घूमेंगे तो आपको हवा जनरली एकदम से ज्यादा लगेगी। वानखेड़े स्टेडियम का जो लोकेशन है वो भी थोड़ा समुद्र के किनारे ही है, ब्रेबोर्न और डीवाई पाटिल के कंपैरिजन में। तो इन दैट केस वहां पे स्टार्टिंग के ओवर्स में दोनों ही इनिंग्स में हमने स्विंग देखी, उमेश यादव ने उसका भरपूर फायदा उठाया, एडम मिलने को विकेट नहीं मिले, लेकिन एडम मिलने टाइट बॉलिंग की, क्यों? क्योंकि ब्रीज हेल्प कर रही थी, बॉल स्विंग कर रहा था, जो बॉल लंबा फेंक रहे थे वो बॉल हिल रहा था। और दोनों टीम जो ये होने वाली है इनमें ऐसे गेंदबाजों की कमी नहीं है, इधर मोहम्मद शमी है, दुश्मनता चमीरा है, आवेश खान है, ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो बॉल को हिला सकते हैं, स्टार्टिंग में विकेट निकाल सकते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन अपना ये कि इतिहास चाहे जो कहे, मेरा अपना प्रेडिक्शन ये है कि चाहे पहले बैटिंग करे गुजरात और चाहे पहले बैटिंग करे लखनऊ सुपर जायंट्स, फर्स्ट इनिंग का स्कोर 160 के आसपास रहेगा और विकेट्स ये जो 7-8 है ये ही गिरेंगे।
मेरा अपना प्रेडिक्शन ये, बैटिंग थोड़ी टफ रहेगी, स्टार्टिंग में रिलीफ विकेट गिर सकते हैं, बाद में रिकवरी होगी 160 के आसपास, और ये स्कोर चेज होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर 160 बना तो चेज होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ड्यू ज्यादा आ रही है पिछले मैच में हमने देखा, तो उसको ध्यान में रखते हुए और उतना ही ड्यू आता है तो फिर ये चेज हो जाएगा। तो प्रेडिक्शन ये है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो 160 के आसपास का स्कोर करेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इतिहास चाहे जो बोले, 7-8 विकेट गिरेंगे और ये स्कोर चेज होगा, मतलब टीम जो बैटिंग सेकंड करेगी वो विन करेगी, ऐसी संभावना है इस मैच में। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोर रिपोर्ट, क्या कहता है स्कोर दोनों टीमों का, कौन से प्लेयर अवेलेबल है, कौन से प्लेयर नहीं अवेलेबल है, किसको कितना फर्क पड़ा है अवेलेबिलिटी से। तो अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात को कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है प्लेयर अवेलेबिलिटी को लेके, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्जारी जोसेफ एक प्लेयर है इनके जो बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं वेस्टइंडीज के लिए, इसलिए अल्जारी जोसेफ नॉट अवेलेबल है, और इनसे कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर अवेलेबल भी होते तो सारे मैचेस ना खेलते। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो इनको बड़ा फर्क पड़ा है किसके ना होने से, स्टोइनिस रिटेन किया था इनको, इन्होंने नहीं अवेलेबल है, इसके साथ साथ अवेलेबल नहीं है होल्डर, जिनसे बड़ा फर्क इनको पड़ रहा है, क्योंकि मार्की ऑलराउंडर के तौर पे इन्होंने बहुत महंगे दाम में खरीदा था, और काइली मेयर्स अगर होल्डर ना होते या स्टोइनिस ना होते, मेयर्स होते तो भी काम चल जाता, लेकिन ये तीनों ही बड़े खिलाड़ी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एलएसजी के जो चांसेस हैं वो हर्ट हुए हैं। लेकिन चूंकि वहां पे अभी डिकॉक है, वहां पे अभी राहुल है, तो वो कहीं ना कहीं मेकअप एक हो सकता है। चलिए, ये स्क्वाड रिपोर्ट की बात होगी, बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की, कैसा प्लेइंग इलेवन की शक्ल सूरत हो सकती है नई टीमों की, वो हम एक बार देख लेते हैं। गुजरात टाइटंस से शुरुआत करते हैं हम, और गुजरात से सब शुरुआत करके हम जाएंगे नवाबों के शहर लखनऊ की तरफ। गुजरात के लिए क्या हो सकता है, देखिए सुमन गिल ओपनिंग करेंगे इनके लिए, और सुमन गिल आपको पता है रिटेन किया है गिल को इन्होंने, तो ऑब्वियसली ओपनिंग करेंगे। इनके साथ ओपनर कौन होगा ये अहम बात है, मैथ्यू वेड है, रहमानुल्लाह गुरवाज है, रिद्धिमान साहा है, तीनों विकेट कीपर, तीनों ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन करंट सिनेरियो मुझे लगता है कि रिद्धिमान साहा गिल के साथ ओपन करने वाले हैं इस मैच में, और ये विकेट कीपर भी रहेंगे। तीन नंबर मैथ्यू वेड खेलेंगे, क्योंकि वेड इज बेटर देन बेटर ओपनर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देन ओपनिंग, तो साहा अगर मिडिल ऑर्डर में जाएंगे तो शायद उतना इंपैक्ट ना कर पाए, साहा टॉप ऑर्डर में, वेड तीन नंबर। चार नंबर मिलर साउथ अफ्रीका से आ गए, साउथ अफ्रीकन प्लेयर आज से अवेलेबल है तो खेलेंगे, ऐसी पूरी पूरी संभावना है। चार नंबर मिलर खेलेंगे, पांच नंबर खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी छवि बना चुके अभिनव मनोहर सदरंगानी, ये पांच नंबर खेलेंगे। छह नंबर मिलेगा हार्दिक पांड्या को, कप्तान साहब इस टीम के, ठीक है, वेड और मिलर दो फॉरेन प्लेयर हो गए इनके। सात नंबर जो है गिल हो गए, साहा हो गए, दो तीन वेड, चार मिलर, पांच अभिनव, छह हार्दिक, सात नंबर राहुल तेवतिया, वन सीजन वंडर साबित हुए, इस बार स्टाम्प लगेगा कि कैसा कर पाते हैं। आठ नंबर राशिद खान, नौ नंबर मोहम्मद शमी, दस नंबर लॉकी फर्ग्यूसन, केकेआर में खेलते थे अभी तक, इस बार गुजरात आ गए हैं, चौथे फॉरेन प्लेयर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ग्यारह नंबर यश दयाल, एक और पेसर। ये स्क्वाड ये इलेवन होने वाला है गुजरात का, इसमें अगर आप देखें टेक्निकली तो आपके पास पांच बॉलिंग ऑप्शन ये बन रहे हैं, हार्दिक पांड्या सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन का काम करेंगे यहाँ पे, तो स्क्वाड में गहराई की कमी नहीं है आपके पास, यहां तक तो बैटिंग है, और फिर या कहिए कि हार्दिक तक बैटिंग है, और ये तीन फ्लोटर है काम कर सकते हैं, तेवतिया राशिद और समी बाद में मारने के लिए, तो तीन फ्लोटर छह प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन के साथ जा रही है, पांच बॉलिंग ऑप्शन और छठा बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक पांड्या, तो ये स्क्वाड गुजरात का हो सकता है इस मैच के लिए मोर और लेस। बात करते हैं लखनऊ की, लखनऊ का स्क्वाड क्या हो सकता है, लखनऊ के लिए केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, कप्तान भी हैं, ड्राफ्ट में पिक किए गए,
ऊपर इनके साथ करेंगे डिकॉक। फॉरेन प्लेयर हो गए और विकेट कीपर हो गए। तीन नंबर एविन लुइस खेलेंगे ऐसी संभावना है। चार नंबर मनीष पांडे खेलेंगे। पांच नंबर मिलेगा राहुल हो गए, डिकॉक हो गए, लुइस हो गए, पांडे हो गए, दीपक हुड्डा को। छह नंबर कृणाल पांड्या, हार्दिक और कृणाल आमने सामने होंगे कल। सात नंबर पे एक डिबेट है और वो मैं बताऊंगा अभी क्यों है, अभी नाम लिख देता हूं, जिक्र बाद में करेंगे, गौतम और बोहरा। ठीक है, राहुल हो गए, डिकॉक हो गए, लुइस, पांडे, हुड्डा, कृणाल, सात प्लेयर हो गए। आठ नंबर चमीरा, नौ नंबर आवेश खान, दस नंबर रवि बिश्नोई, ग्यारह नंबर अंकित राजपूत। अब देखिए ये तीन फॉरनर प्लेयर लेके खेलेंगे ऐसी संभावना है, क्योंकि इनके पास चौथा फॉरनर अवेलेबल नहीं है। मैंने बताया काइली मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस होल्डर अवेलेबल नहीं है, मार्कवुड इंजरी होगी, उनकी जगह एजे टाई आए हैं, अभी क्वारंटाइन में है, स्ट्रेट अवे गेम नहीं मिलेगा। सात प्लेयर इन्होंने खरीदे थे तो टेक्निकली इनके पास डिकॉक, लुइस और चमीरा ही बचते हैं, तो इनको इसी टीम से काम चलाना है। ये छह प्लेयर सॉलिड है, ये भी तीन चार प्लेयर खेलेंगे। इस एक स्पॉट पे थोड़ा सा इशू है, लेकिन मनन वोरा चूंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और टॉप फोर में उनकी जगह कहीं बन नहीं रही है, पांच नंबर पे मनन वोरा शायद वो वैल्यू लेकर ना आए, प्लस सिंगल डायमेंशन प्लेयर है। कृष्णप्पा गौतम मल्टी डायमेंशन प्लेयर है, आपके बॉलिंग ऑप्शन के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बिश्नोई है, कृणाल है, तो आपका थर्ड स्पिनर गौतम बन सकता है। प्लस लास्ट में आके लस्टी ग्लोव कुछ बोलते हैं जो हार्ड हिटिंग, वो कृष्णप्पा गौतम कर सकते हैं। और चमीरा, अवेश और राजपूत के रूप में तीन गेंदबाज आपके पास बढ़िया हो जाएंगे, तो ये टीम रहने की संभावना है। मुझे लगता है गौतम ही खेलेंगे, दूसरा चांस अगर गौतम नहीं खेलते हैं तो बोरा खेलेंगे, और बोरा खेलेंगे तो बोरा फिर यहाँ पांच नंबर पे स्लॉटेड होंगे। हुड्डा और कृणाल को नीचे कर दिया जाएगा, इन दैट केस ये चार प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे और हुड्डा और कृणाल जो है वो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन मिलकर बनाएंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गौतम को लेना ज्यादा बुद्धिमानी भरा डिसीजन रहेगा, बाकी लेट सी। तो ये होगी प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, नई नवेली टीमें हैं इनकी कि क्या हो सकती है। बात करते हैं अहम खिलाड़ियों की, की प्लेयर्स की, कि क्या हो सकते हैं। तो इनमें अगर आप देखें तो की प्लेयर्स आपको कौन से लग रहे हैं, कप्तान हार्दिक बहुत अहम है गुजरात के चांसेस के लिए, क्योंकि मोर और लेस इस टीम में काफी प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल पहले नहीं खेला है, जैसे वेड को वो अनुभव नहीं है, अभिनव को वो अनुभव नहीं है, तेवतिया पहले सीजन के बाद कुछ कर नहीं पाए, यश दयाल का पहला सीजन होने वाला है, तो हार्दिक पांड्या के ऊपर दारोमदार होगा इसको टीम को चलाने का। गेल अभी युवा है तो कहीं ना कहीं हार्दिक को ये टीम चलानी है, इसलिए बहुत अहम है कि वो खुद का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस बात पे काफी चीजें निर्भर करती हैं। इनके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट प्लेयर होने वाला है वो डेविड मिलर, बहुत सीजन कैंपेनर है, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, इस बार टॉप फोर में खेलेंगे, रिसेंट फॉर्म अच्छी रही है, तो मिलर पे भी गुजरात के चांसेस टिके होंगे। यहां की जिम्मेदारी समी और राशिद पे होगी, पेस आप चलाइए, स्पिन आप चलाइए। तो ये चार खिलाड़ी हैं जो बहुत अहम रहने वाले हैं अपनी टीम के लिए, मतलब गुजरात जायंट्स के लिए जो सबसे अहम खिलाड़ी, गुजरात टाइटंस के लिए जो सबसे अहम खिलाड़ी रहने वाले वो मिलर, हार्दिक, राशिद और समी रहने वाले। लखनऊ की तरफ चले, कप्तान राहुल एज ऑलवेज जैसे पंजाब में जानते हैं, डिको एक और एडिशन, दो बहुत बढ़िया प्लेयर, इनको गेम चलाना है ये। और यहाँ रवि बिश्नोई कैसी बॉलिंग करेंगे इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा। और ये जो ओपनर ऑलराउंडर की जोड़ी है हुड्डा और कृणाल की, ये पांचवें बॉलिंग ऑप्शन और फिनिशर की भूमिका में कितने सही उतर पाएंगे, कितना बढ़िया काम करके दे पाएंगे, इस पे भी लखनऊ के चांसेस आगे जाने के जो है वो काफी निर्भर करने वाले हैं। तो ये वो प्लेयर हो गए दोस्तों कि जो अहम रहने वाले हैं अपनी अपनी टीमों के लिए इस सीजन। बात करते हैं सरप्राइज पिक्स की, कि इस सीजन ग्रैंड लीग के हिसाब से किन प्लेयर्स पे आप मौका दाव लगा सकते हो। तो अभिनव सदरंगानी का मैं बहुत हाईली बोल रहा हूं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि इस सीजन ग्रैंड लीग में ऐसे प्लेयर जिनके बारे में जानकारी कम है वो कौन से हो सकते हैं, तो अभिनव का नाम मैंने उसमें भी मेंशन किया था। बहुत बढ़िया ये प्लेयर होने वाला है ग्रैंड लीग के लिए, बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है। यश दयाल को ना भूलें, बहुत बढ़िया प्लेयर है ये दोस्तों, लाजवाब प्लेयर मैं कहूंगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है जो
विकेट्स निकाल सकते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। सैयद मुश्ताक अली में बहुत बढ़िया खेले थे। इस तरफ अगर मैं जाऊं तो आवेश खान, हालांकि आवेश अब अननोन नाम नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका एक ऑप्शन बन सकते हैं जो सरप्राइज पिक हो सकते हैं। बाकी प्लेयर्स के बारे में आपको मोर और लेस पता है तो फिर उनके बारे में बताना जरूरी ज्यादा है नहीं। दीपक हुड्डा का नाम और लिख लीजिए कि इतने सारे स्टार्स में कहीं खो जाए तो दीपक हुड्डा एक और बढ़िया ऑप्शन है आपके पास ग्रैंड लीग में ट्राई करने के लिए। सरप्राइज पिक्स के तौर पे आप ये अभिनव, दयाल, हुड्डा और आवेश को ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हम आपके फेवरेट सेगमेंट की, और वो क्या है, स्मॉल लीग टीम क्या बनेगी। चलिए बताते हैं भैया क्या बनेगी आपकी टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, क्या कैसे। ठीक है, ये ड्रीम इलेवन नहीं, ये विजन इलेवन टीम है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट ऐप यही है। कैसे है इसके बारे में बताएंगे। देखिए अब चलते हैं स्मॉल आपका स्मॉल लीग टीम की तरफ। विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शन क्या है, चार ऑप्शन है आपके पास। आपके पास राहुल है, डिकॉक है, आपके पास है वेड और साहा। राहुल ऑटोमेटिक पिक है स्मॉल लीग टीम, जब आप बनाने जा रहे हो तो राहुल को तो छोड़ ही नहीं सकते, तो राहुल एक ऑप्शन। ठीक है, डिकॉक, साहा, वेड बचे। वेड को एशियन कंडीशंस में खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है तो उनके साथ वो हो सकता है जो डेवन कॉनवे के साथ हुआ पहले मैच में, मतलब फ्लॉप। सो बचे कौन, अब डिकॉक और साहा। साहा ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे इस पे अभी डाउट है। इन दैट केस मेरा दूसरा विकेट कीपर जो रहेगा वो डिकॉक रहेगा। दो विकेट कीपर आपके हो गए, गेम कवर इनसे आपको दोनों से ही शानदार मिलेगा। डिको को विकेट कीपिंग करेंगे, राहुल एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे मुझे लगता है। ठीक है, बाजा आप ताजा की बैटिंग में, बैटिंग में सुमन गिल बहुत बढ़िया गेम कवर देंगे, लगातार ओपनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं। तीन नंबर पे खेलेंगे एलएसजी के लिए इवान लुइस, तो लुइस हालांकि थोड़ा सा रिस्की पिक है क्योंकि कंसिस्टेंसी इनकी दुश्मन है, स्टिल बढ़िया एक पिक हो सकते हैं। मुंबई में खेलने का इनको अनुभव है, पहले मुंबई इंडियंस में खेले हैं तो वानखेड़े की जो कंडीशन है उनसे बहुत अच्छे से रूबरू है, परिचित है, तो ये काफी अच्छे एडिशन हो सकते हैं। तीसरा नाम मैं लगूंगा वो लिखूंगा मिलर का, थोड़ी सी सरप्राइज पिक हो सकते हैं लेकिन मिलर मेरे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन इस मैच में होने वाले हैं। और कारण उसका ये है क्योंकि मिलर अभी ऑफ लेट काफी अच्छी फॉर्म में रहे हैं, काफी अच्छी, और चांसेस ये है कि गुजरात के लिए नंबर चार भी खेलेंगे। तो अगर टॉप फोर में मिलर जैसा प्लेयर आपको मिल रहा है और बॉल थोड़ी सी अगर हिली तो मिलर की बैटिंग भी ज्यादा आएगी, मतलब गेम कवर मिलर को ज्यादा मिलेगा। इन दैट केस मिलर फिर आपकी चांदी काट सकते हैं। तो मिलर ऑलराउंडर सेक्शन में जाएं तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं हार्दिक को जरूर लूंगा। तो हार्दिक को लेने के पीछे का कारण यही है कि भाई कैप्टन है, गेम चलाएंगे, खुद को गेम कवर तो देंगे, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन और छह नंबर बैटिंग। इनके साथ इन्हीं के भैया कृणाल पांड्या, दो ऑलराउंडर में लेके जा रहा हूं स्मॉल लीग टीम में। कृणाल से आपको चार ओवर का एक स्पेल एक्सपेक्टेड है आएगा और उसके साथ कुछ रन भी आ सकते हैं, तो कृणाल और हार्दिक दोनों वैल्यू फॉर वर्थ रहेंगे। बचे ऑप्शन कितने, दो तीन पांच दो सात चार गेंदबाज। समी सबसे पहले पिक करना है, राशिद जरूर पिक करने, आवेश खान जरूर पिक करना है और रवि बिश्नोई जरूर पिक करना है। अब पिक क्यों करना है, ये जरूर जरूर तो कह दी, कोई कारण भी तो होगा। पिक इसलिए करने हैं, बॉल शुरू में किसी भी इनिंग में हिलेगी, अगर हिलेगी इनिंग बॉल तो समी और आवेश एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उन कंडीशंस को बहुत अच्छे से। ठीक है, और मिडिल ओवर्स में दोनों टीमों का अगर आप मिडिल ऑर्डर देखोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि टेंटेटिव मिडिल ऑर्डर है, थोड़ा सा वहां गुंजाइश है उसको एक्सपोज करने की। तो राशिद और बिश्नोई से बढ़िया अपनी अपनी टीम के लिए कोई गेंदबाज रहने नहीं वाला जो इन कंडीशंस में मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर सकता है, इसलिए चार बॉलिंग ऑप्शंस, उसके बाद हार्दिक कृणाल, गिल लेविस, मिलर और डिकॉक, ये आपके लिए ऑप्शन रहने वाले हैं बहुत बढ़िया स्मॉल लीग के लिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात आ जाती है, राहुल के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है राहुल कैप्टनसी के लिए और सुमन गिल वाइस कैप्टनसी के लिए। दोनों प्लेयर ओपनिंग करेंगे, गेम कवर आपको लाजवाब देंगे, तो इनको आप ऑब्वियसली पिक कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन स्मॉल लीग टीम में। इनके अलावा और भी ऑप्शन जैसे हार्दिक हैं, मिलर हैं, ये भी बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, लेकिन मेरे ख्याल में स्मॉल लीग की ये टीम पर्याप्त है। अब बात करते हैं प्रॉफिट फंडा की ग्रैंड लीग जाने से पहले। तो दोस्तों ये टीम जो है ये आपको ट्राई कहां करनी है,
ये टीम आपको ट्राई करनी है विजन 11 ऐप पर। ऐप का लिंक मेरे टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है जहां टेलीग्राम का कमेंट दिया हुआ है वहां अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदे बता दूं मैं आपको ऐप के, क्या फायदे हैं। तो फायदा जो है सबसे बड़ा ये है इस विजन 11 का कि क्रेडिट वैल्यू प्लेयर्स की कम है, मतलब जो टीम आपको एक्सेल में चाहिए वो मिल जाती है, ठीक है। कॉन्टेस्ट एंट्री कम है, मतलब कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के टाइम पे बचता है। और तीसरा फायदा आपका क्या, तीसरा फायदा ये कि यूजर कॉम्पिटिशन कम है, मतलब एक एवरेज टीम आपकी विनिंग कर जाती है। तो इसलिए ये फायदे हैं, स्मॉल लीग रिकमेंडेड ये कि विजन 11 पर खेलें, अभी जुड़ जाएं। लिंक मैंने बता दिया कहां अवेलेबल है, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर वाले कमेंट में भी, तो क्लिक करके जुड़ जाइएगा विजन 11 से। चलिए बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम की, कि ग्रैंड लीग टीम क्या होगी। GL1 और GL2 क्या होने वाली है। तो GL1 में स्मॉल लीग टीम के कंपैरिजन में हमारे क्या बदलाव हुए दोस्तों। बदलाव कुछ ये हैं कि मैंने कृणाल पांड्या को हटाया, ठीक है। देखिए किसको मैंने हटाया, कृणाल पांड्या को हटाया और विकेट कीपर के तौर पर एक और ऑप्शन बढ़ा दिया। तो राहुल ऐसे कैसे खेलेंगे, ठीक है, डिकॉक ऐसे कैसे खेलेंगे, जो प्लेयर ऐड करूंगा उसका मैं पूरा नाम लिख दूंगा, साहा मेरे तीसरे ऑप्शन बन जाएंगे विकेट कीपिंग में, क्योंकि ओपन कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। सुमन गिल को बिल्कुल सेम खेलेंगे, नो चेंज, ठीक है। डेविड मिलर भी जरूर खेलेंगे, इवान लुइस की जगह दीपक हुड्डा को मैं मौका दे रहा हूं, जो प्लेयर इस टीम में मैंने ऐड किए हैं उनके नाम लिखते जा रहा हूं, जो रिटेन है इस टीम में उनको शॉर्टकट में लिखते जा रहा हूं, राहुल, डिकॉक, गिल, मिलर, हुड्डा और साहा नए प्लेयर आए हैं। हार्दिक पांड्या अकेले ऑलराउंडर मेरे रहेंगे इस टीम के, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं। बॉलिंग में समी ऐसे कैसे रहेंगे, आवेश खान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, रवि बिश्नोई के साथ कौन आएंगे, राशिद खान की जगह लॉकी फर्ग्यूसन। और ये मैं कोड वर्ड में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि स्मॉल लीग से ग्रैंड लीग में कितने चेंज मैंने किए। तो सिर्फ 3 चेंज किए मैंने, साहा को लाया मैं कृणाल पांड्या की जगह, हुड्डा को लाया इवान लुइस की जगह क्योंकि कंसिस्टेंसी इनकी दुश्मन है और हुड्डा रहे रिसेंटली बढ़िया फॉर्म में, तो एक बढ़िया लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। आवेश खान, राशिद खान की जगह लॉकी फर्ग्यूसन को लेके आया, तो वो बता दिया। इस टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो इस टीम में मैं डिकॉक को कैप्टन बना के जा रहा हूं और मिलर को वाइस कैप्टन, दोनों के पीछे कारण बताया मैंने अभी कि दोनों ही रिसेंटली बढ़िया फॉर्म में है, डिकॉक से गेम ओवर बहुत बढ़िया मिलेगा, मिलर 4 नंबर खेलेंगे, तो ये सीजन ब्रेक थ्रू सीजन इनके लिए, इनके कैरियर में दोबारा लाइफ फूंकने लायक होगा। तो ये आपके 3 बदलाव के बाद और कैप्टन वाइस कैप्टन सफल करके ग्रैंड लीग टीम 1 बन गई, ठीक है। कोई अगर संदेह हो, कोई डाउट हो, तो कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में। चलते हैं ग्रैंड लीग टीम 2 की तरफ। यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैं वेड को लाया और वेड मेरे अकेले विकेटकीपर रहेंगे, ठीक है। राहुल, डिकॉक सब बदल दिए मैंने, यहां पे हाई रिस्क टीम एक बनाई है। बैटिंग में जो पहली टीम में थे उसमें से मैंने किसको रखा है, मैंने रखा है इवान लुइस और डेविड मिलर को इस टीम से, इसी टीम से कंपेयर कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू के मतलब विकेट कीपर, ठीक है। बैटिंग में इवान लुइस एल और मिलर एम, ये दोनों को रखा मैंने, लुइस और मिलर को। उसके बाद पांडे, मनीष पांडे, ठीक है, अभिनव मनोहर, सदरंगानी और दीपक हुड्डा, मतलब 5 बैटिंग ऑप्शन यहां पे लेकर आया हूं मैं ग्रैंड लीग नंबर 2 में। ऑलराउंडर केवल एक रहेंगे, उनका नाम है तेवतिया, ठीक है। बॉलिंग में समी को मैंने नहीं छेड़ा है, समी ऐसे कैसे रहेंगे। आवेश खान से मैंने छेड़छाड़ नहीं की है, ऐसे कैसे रहेंगे। राशिद खान से छेड़छाड़ नहीं की है, ऐसे कैसे रहेंगे। और आए हैं चमीरा,
तो जो टीम पहली थी उसमें तीन बदलाव कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके ग्रैंड लीग टीम वन बनी, और जो ग्रैंड लीग टीम टू थी उसमें टोटल किए हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बदलाव, उसको बना दिया थोड़ा सा हाई रिस्क टीम हमने, ऐसे आपकी ग्रैंड लीग नंबर टू बन गई। 5 प्लेयर स्मॉल लीग टीम के और 6 नए प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन जब हम बनाने गए इसमें तो हमने थोड़ा जब रिस्क पे जाने तो रिस्क पे गए और इवान लुइस को कैप्टन बनाया इस टीम का हमने, ठीक है। और वाइस कैप्टन बनाया मोहम्मद शमी को, और वाइस कैप्टन शमी को बनाने के पीछे वही लॉजिक था कि बॉल अगर हिलेगा स्विंग करेगा शमी जिस क्वालिटी के प्लेयर है वो धो डालेंगे, तो वाइस कैप्टन शमी और कैप्टन इवान लुइस। तो ये प्रॉपर हो गई दो आपकी ग्रैंड लीग टीम, आप समझ गए होंगे जो कोड में लिखे हुए हैं, मतलब जो इस टीम के सदस्य हैं और जो इस टीम से चेंज हुए उनका मैंने पूरा नाम लिख दिया ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि एक्चुअल टीम क्या थी, उसके बाद बदलाव क्या हुए दोनों टीमों में, ठीक है। ये बात होगी मेरी इस मैच की, हमारी आपकी मुलाकात हर दिन होती रहेगी। इस आईपीएल में कौन से खिलाड़ी ग्रैंड लीग में अहम होने वाले हैं, 100 रुपए से 10,000 तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो किस तरीके से करें उसके बारे में बात, 1.5 करोड़ की ग्रैंड लीग अगर जीतने का सपना है तो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इस आईपीएल में, इन 3 टॉपिक्स पे 3 वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर देखें। आपको अच्छे खिलाड़ी बनाने में, आपको अच्छा फैंटेसी प्लेयर बनाने में ये वीडियो हेल्प कर सकती है। जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट आपसे एक्सपेक्टेड है मेरी इतनी मेहनत के बाद। हमारी मुलाकात हर दिन होती रहेगी, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।